अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। जी आप सब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी कितने लोग आना चाह रहे हैं और कौन नहीं आना चाह रहा? सर आएंगे इंशाल्लाह। आधे लोग ही आएंगे पक्की बात है सर। ये हाइब्रिड सिस्टम है, अभी रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी? नो आईडिया बेटे, मैंने मेल नहीं पढ़ी, बस मुझे ये पता लगा है कि भाई मेल आ गई है कि यूनिवर्सिटीज आर ओपन फ्रॉम मंडे। आप लोगों को मेल आई है? जी सर। यस सर आई है। तो उसमें क्या लिखा हुआ? चलो लेट्स सी ऑन मंडे व्हाट हैपेंस। मेरा तो मंडे ऑफ है, ट्यूसडे को पता चलेगा। अच्छा जी, अच्छा जो जो आप लोगों में से ईबीपी के अगर सेक्शन एफ में एनरोल नहीं है ना, तो मुझे मेल कर देना ताकि मैं एनरोल कर दूं, क्योंकि आज ये पता नहीं आई थिंक 12 बजे या 1 बजे तक सबमिशन का लास्ट टाइम है। ठीक है,
जो बच्चे ईबीपी पढ़ रहे हैं मुझसे उनकी बात हो रही है। और माहीन बाजी मुझे ना आपने मेल करके याद कराना है कल के संडे को क्विज है। क्विज कितने बजे का टाइम बताया मैंने? टाइम तो नहीं बताया था अभी आपने, मैं आपको कर दूंगी मेल। शाम को ही रख लेते हैं 5 बजे, वही टाइम ठीक है। ओके सर। तो सर ये सब बच्चों का होगा या सिर्फ उन बच्चों का जिनका प्रॉब्लम था? नहीं, जिनका प्रॉब्लम था बस। ओके सर। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमने पढ़ना है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, हमें क्या उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी के साथ साथ हम और कौन सा दूसरा प्रोसीजर करके तो बाकी एक दो अनोमलीज को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में आपकी कोरोनरी आर्टरी की सारी एनाटॉमी, ठीक है, या आप लोगों ने पढ़ ली भी अच्छे से। लेक्चर में दोबारा डालिए कि आप लोग अगर रिवाइज करना चाहते हैं यहाँ से एक बार रिवाइज भी कर लो, ठीक है। डोमिनेंस क्या होती है, ठीक है, वो कहता है डोमिनेंस इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट दैट व्हिच आर्टरी बेटिक, जिसका भी माइक ऑन है ना ऑफ कर लो। बेटे किसका माइक ऑन है? अच्छा जी, वो कहता है द डोमिनेंस, डोमिनेंस इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट दैट व्हिच आर्टरी रीचेस द क्रक्स एंड सप्लाइज द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। जो डोमिनेंस है ना, वो कहता है वो किस बात से हम डिटरमाइन करते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इनमें से कौन सी आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को। तो इसके अंदर कहते हैं जो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, 85% ऑफ द पेशेंट्स यानी कि 85% ऑफ द होल पॉपुलेशन, उसमें से 85% लोगों को जो है वो राइट डोमिनेंस होती है, मतलब उसकी राइट कोरोनरी आर्टरी जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को सप्लाई कर रही होती है, और 8% केसेस में सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, और 7% में बोथ राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई पोस्टीरियर आईवी सेप्टम एंड इंफीरियर सर्फेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हेयर, इट इज बैलेंस्ड डोमिनेंस, ठीक है। 85% में राइट कोरोनरी सप्लाई कर रही होती है, 8% में लेफ्ट, और 7% में दोनों आर्टरीज मिलके क्या नाम है सप्लाई कर रही होती हैं आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को, तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंस, ठीक है। अगर यानी कि अगर कोई यानी कि बात करते हुए सुने जब कार्डियोलॉजिस्ट को कि यार ये परसेंट में इस पर्सन में राइट डोमिनेंस है, इसमें लेफ्ट डोमिनेंस है, तो वो इस चीज़ को बता रहे होंगे कि यार इस पर्सन की राइट कोरोनरी सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग को और इसकी लेफ्ट सप्लाई कर रही है। उसके बाद ये उन्होंने आपको एंजियोग्राम सिखाए हुए हैं नॉर्मल लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगी। अच्छा, एक और बात भी है, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, क्या डिफरेंस है दोनों इमेजेस में, क्यों भाई? मलाइका सर विद कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट इमेज सब्ट्रैक्टिव इमेज। आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहा है सर, सबट्रैक्शन की हुई है बेटे, आपको ऑलमोस्ट सब केसेस में ही डिजिटल सबट्रैक्टेड इमेजेस मिलते हैं सिस्टम के अंदर से, वो पहले ही यानी के
ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ होता है कि वो DSA के इमेजेस ही मिलते हैं। हाँ जी सारा। यस सर। बताओ ये बाजी क्या डिफरेंस है दोनों इमेजेस में? सर मुझे ये जो आपने भी ऐड किया मुझे पता नहीं क्यों वो RCA लग गया। उसको छोड़ दें और डिफरेंस बताएं। वो ज्यादा रिफाइंड इमेज है। अच्छा अब सुनो मेरी बात। देखो इज इट RCA और LCA इस चीज को भी छोड़ दो ठीक है। यू पीपल डिडंट नोटिस के यहाँ पे वेसल्स वाइट हैं और यहाँ ब्लैक हैं ठीक है। ये क्यों है? आपका जो सिस्टम है ना दोनों के अंदर ही कंट्रास्ट है। ये भी कंट्रास्ट है ये भी कंट्रास्ट है ठीक है। अब जो सिस्टम है ना सिस्टम के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती है दैट यू कैन इन्वर्ट द कलर्स ठीक है। अगर आप कलर्स को नॉर्मल पे रखोगे तो आपका कंट्रास्ट वाइट शो होगा इस तरह का। अगर आप कलर्स को इन्वर्ट कर दोगे तो आपका कंट्रास्ट इस तरह का ब्लैक शो होगा ठीक है। तो इस चीज़ को देख के ये अगर क्या नाम है हो जाए इस तरह का तो ये नहीं करना कि पता नहीं ये कुछ बदल गया है ठीक है कंट्रास्ट ही दोनों के अंदर। ये नहीं है कि जो ब्लैक वाली वेसल्स हैं इनके अंदर कंट्रास्ट नहीं है। ये भी कंट्रास्ट है बट क्या है कि सिर्फ उसका हमने कलर इन्वर्ट कर दिया बाई यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया बात समझ आ गई कि मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा था? यस सर। यस ठीक है। यस सर। आइंदा अगर पूछूं मलाइका वाजी तो देख के बता देना ठीक है। अच्छा ये हो गया ठीक है। अब उसने आपको दिखाई हुई है नॉर्मल LCA ठीक है और उसके और नेक्स्ट उसने दिखाई है आपको नॉर्मल RCA। एक मिनट बच्चों जी बच्चों ठीक है। ये एग्जाम के अंदर आपसे स्पॉटिंग ली जा सकती है इन इमेजेस की तो इसकी तैयारी कर लेना ठीक है कि नॉर्मल LCA किस तरह की दिखती है नॉर्मल RCA किस तरह की दिखती है ठीक है और किन व्यूज में दिखती है। अब आए थे जी हम कोरोनरी एंजियोग्राफी के इंडिकेशंस के ऊपर। वो कहता है सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ CAD इन क्लिनिकल सस्पेक्टेड पेशेंट्स। CAD मींस कोरोनरी आर्टरी डिजीज ठीक है। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सस्पेशन है मतलब हार्ट की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो रही ठीक है हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर रहा ठीक है कोई इश्यूज आ रहे हैं आपको BP लो रह रहा है ठीक है। तो अगर डॉक्टर को सस्पिशन है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उन पेशेंट्स के अंदर आप कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर पर्क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अगर आप पर्क्यूटेनियसली कोई कोरोनरी इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं कोरोनरी की कोई अनोमलीज हैं टू एक्सक्लूड स्टेनोसिस बिफोर नॉन कोरोनरी कार्डियक सर्जरी ठीक है। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कहीं स्टेनोसिस हुआ हुआ है ठीक है तो उसको आप पहले ही करेक्ट कर लें ठीक है आपकी कोई और कार्डियक सर्जरी के लिए ठीक है। उसके बाद क्या नाम है या फिर वेल सर्जरी जो कि 40 ईयर्स की एज पे होती है अक्सर लोगों में ठीक है उसके लिए अगर आप क्या नाम है कोई प्रोसीजर करना चाह रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि कोरोनरी आर्टरीज में कोई इशू तो नहीं है। डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट ठीक है। अगर आपने कोई कोरोनरी आर्टरी में कोई बाईपास ग्राफ्ट डाला हुआ है ठीक है तो क्या वो स्टिल पेटेंट है या नहीं है। उसके बाद इन पेशेंट्स विद नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स विद हाई रिस्क फीचर्स ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर जो आपकी ST सेगमेंट है ECG का उसकी एलिवेशन नहीं है लेकिन उनको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का हाई रिस्क के फीचर्स आ रहे हैं ठीक है फॉर एग्जांपल ऑनगोइंग इस्कीमिया और हार्ट फेलियर की तरफ हो जा रहे हैं तो उन पेशेंट्स के अंदर भी आप कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हो। इन पेशेंट्स विद एक्यूट ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन ठीक है। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का प्रोसेस ऑनगो हो और उनका ST सेगमेंट भी एलिवेट कर रहा हो ऑन ECG तो उन पेशेंट्स में भी आप कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद प्राइमरी पर्क्यूटेनियस इंटरवेंशन इज यूजली परफॉर्म्ड इन द सेम प्रोसीजर इमीडिएटली आफ्टर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर कुछ पेशेंट्स इस तरह जो हाई रिस्क के ऊपर हैं ठीक है उनको आप क्या करते हो कि पहले उनकी एंजियोग्राफी परफॉर्म करके एट द सेम टाइम ही आप उसका क्या नाम है थेरापेटिक प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हो और उसकी उस अनोमली को ट्रीट करते हो बाई यूजिंग डिफरेंट प्रोसीजर्स जैसे कि स्टंटिंग हो गई या बाईपास ग्राफ्ट जो भी आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो प्रेफर करता है व्हाटएवर ही वांट्स और शी वांट्स। उसके बाद कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन को क्या कहता है कोएगुलोपैथी पेशेंट का ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो रहा ठीक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है।
अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है जो आप कंट्रोल ही कर पा रहे, कार्डियोवास्कुलर अटैक जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है, जीआई हैमरेज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज, अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई हैमरेज हो रहा है किसी भी रीजंस की वजह से, प्रेगनेंसी के अंदर भी आपकी क्या नाम है, ऑब्वियस सी बात है रेडिएशंस हैं तो इट्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इनएबिलिटी फॉर पेशेंट कोऑपरेशन, अगर आपका पेशेंट आपसे कोऑपरेटिव नहीं है, वो रिलक्टेंट है कि मैंने प्रोसीजर नहीं करवाना, मुझे डर लग रहा है मैं नहीं करवा सकता, बहुत पेन होगी, वट एवर इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसकी काउंसलिंग किस तरह की करते हो, ठीक है। उसके बाद एक्टिव इन्फेक्शन, यानी कि एट द टाइम प्रोसीजर जब आपने किया है कि इस दिन प्रोसीजर करना है, उस टाइम पे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, रीनल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई भी, ठीक है। उसके बाद रीनल फेलियर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है आपने कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो कंट्रास्ट ने वॉश आउट करना है, अगर आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्किंग नहीं होगी तो कंट्रास्ट बॉडी के अंदर रहेगा एंड इट विल कॉज रिएक्शंस, सीवियर रिएक्शंस, इवन इट कैन कॉज डेथ आल्सो, ठीक है। कंट्रास्ट मीडियम एलर्जी, अगर आप लोगों को पहले किसी ने कंट्रास्ट पढ़ाया तो आपको कंट्रास्ट एलर्जीज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, ये अंदाजा है क्यों भाई, किसी को अंदाजा है कंट्रास्ट के बारे में, कंट्रास्ट एलर्जीज के बारे में? सर रिएक्शन हो जाता है ना, किस टाइप के रिएक्शन, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं बेटे, आप लोगों ने सर स्किन में एलर्जीज भी हो सकती हैं और कई दफा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं बेटे, वो तो आपका ठीक है, आपने कंट्रास्ट किसी ने पढ़ाया नहीं आपको, मैं ये पूछ रहा हूं, बाकी जिन लोगों ने पढ़ा हुआ हम ऐसा करेंगे एक लेक्चर ना उसका भी ऐड कर लेंगे, कंट्रास्ट कम के जिन लोगों को नहीं भी आता वो भी बच्चे देख लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी बिफोर द प्रोसीजर, वो कहते हैं बिफोर द प्रोसीजर अपने पेशेंट को कैसे करना है, क्या नाम है, आफ्टर द पेशेंट इज प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, ठीक है, आपने सबसे पहले आपका काम क्या होता है, कहीं कोई भी प्रोसीजर चाहे वो आपने एक्सरे करना है, MRI करना है, CT करना है, एनजीओ करना है, कुछ भी करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल आप नाम बुलाते हैं जी अहमद, ठीक है, तो चार पाँच अहमद भी हो सकते हैं, देन यू शुड कॉल द फादर नेम ऑल्सो के जी अहमद अली, ठीक है, अहमद के साथ असलम, वट एवर द फादर नेम इज, यानी कि यू शुड कॉल द फुल नेम, ठीक है, ताकि पेशेंट आइडेंटिफाई हो कि कौन सा पेशेंट है, देन यू शुड आस्क द पेशेंट के आपको क्या इशू था, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ जी इस पेशेंट के वाकई वही पेशेंट है जिसको हमने एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है। तब उसके बाद वो कहता है जब आपने पेशेंट आइडेंटिफाई कर ली, यू शुड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है, उसके बाद आपने जब पेशेंट को बता दी कि भाई जी ऐसे ऐसे करके हम आपकी डिटेल्स लेंगे, वहाँ से कितने लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इमेजिंग करेंगे, उसके बाद जब आपने सब कुछ बता दिया, then you should give him that consent form कि आप हमें इजाजत देते हैं कि हम ये procedure आपके साथ करें। उसके बाद वो कहता है baseline vital signs will be done as long as there are within the doctor's interest, ठीक है, वो कहता है कि जब तक डॉक्टर कहेगा उस टाइम तक क्या नाम है आपने baseline उसके चेक करने के उसके vital सीख चल रहे हैं, पल्स, हार्ट बीट, ETC या इन कैन प्रोसीड विद द प्रोसीजर, उसके बाद फिर आप प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपने क्या क्या करवाना है, ब्लड टेस्ट मस्ट बी डन इंक्लूडिंग द BUN1 जिसको हम बोलते हैं, ये होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड क्रिएटिनिन, ठीक है, PTTT और INR इंसुलिन शुगर लेवल्स, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है आपने, आफ्टर द पेशेंट इज पुट ऑन द टेबल, ठीक है, आपने उसको एंजियोग्राफिक के टेबल पे लिटा दिया, द एरिया बीइंग पंक्चर मस्ट बी फ्री फ्रॉम हेयर, ठीक है, आपके ऑब्वियसली बात है ग्रोइन रीजन में हेयर्स होते हैं तो उसको आपको सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है, टू हैव ए क्लियर्ड आउट एरिया टू मेक इट स्टेराइल, देन यू कैन हैव वास्कुलर सेल्स फ्रॉम दैट प्लेस। हेयर रिमूवल इज डन बाय द डिस्पोजेबल इलेक्ट्रिक रेजर एंड मूव बाय स्टिकी साइड ऑफ क्लॉथ टेप, ठीक है, आप जो जो आपकी डॉक्टर स्टिकिंग टेप होती है क्योंकि माइनर हेयर्स होते हैं ग्रोइन रीजन में, तो यू कैन रिमूव इट बाय दैट और बाय एनी काइंड ऑफ डिस्पोजेबल रेजर। उसके बाद कहता है पेशेंट मस्ट बी सर्जिकली क्लीन्ड विद हॉस्पिटल अप्रूव्ड स्टीराइल सर्जिकल प्रिपरेशन सॉल्यूशन, ठीक है, आपको फिर पेशेंट के ग्रोइन रीजन को वहाँ से स्टीराइल करना पड़ता है, ठीक है, किस किन चीज़ों के साथ, जो आपके नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है, आपके पास वो जो वहाँ पे कहते हैं अवेलेबल होती हैं स्टीराइल गॉज पीसीज, ठीक है, उनके साथ आप पेशेंट की सारी जो ग्रोइन साइट है जहाँ से आपने वास्कुलर सेल्स ले लिया है उसको क्लीन करते हैं।
इसको कहते हैं स्टीरियल फ्रीडम पेशेंट दैट टेक्नोलॉजिस्ट वर्किंग विद द कार्डियोलॉजिस्ट मस्ट बी स्ट्रक्ट इन फॉलोइंग बेसिक स्टीरियल सर्जिकल टेक्निक्स। कहते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आपका टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि आप हैं, ठीक है, उसको भी क्या नाम है स्टीरियल स्क्रब करना चाहिए, यानी कि वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, हॉस्पिटल का जो स्टीरियल गाउन है स्टीरियल पानी के साथ वॉश किया गया है जो कि स्पेसिफाइड होता है फॉर द एनजीओ लैब्स, ठीक है, वो भी वो गाउन वियर करे, ठीक है, और वो भी प्रॉपरली स्टीरियल हो उसने सब, यानी कि सैनिटाइजर वगैरह एंड दिस एंड दैट एंटीबैक्टीरियल सब कुछ लगाया हो, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन का खतरा ना हो। द पेशेंट इज देन रैप्ड फ्रॉम नेक डाउन विद स्टीरियल रैप्स, ठीक है, पेशेंट को फिर क्या नाम है आपकी नेक से लेके, ठीक है, पूरी बॉडी पे क्या नाम है गॉज पीस से एक दफ़ा स्टीरियल पूरा फेरा जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी पूरी स्टीरियल हो जाए, कहीं से कोई bacterial infection ka khatra na ho. All the equipment, radiation shields, image intensifiers, equipment used to manipulate the machine must be prepped with sterile covers. Theek hai, jo aapki machine hai uske upar bhi sterile covers lagaye jane chahiye. Uske baad kehta hai ki equipment kya kya chahiye hota hai aapko, wo kehta hai procedure tray should include the sterile gowns and gloves for scrub the technician and the doctor, sterile towels and wraps for the procedure equipment covers, gauze pieces, scalpel, needle, scissors, hemostats, syringes for heparin and saline flush, lidocaine and blood draw, labels with marking pen for any item filled with a solution, basin for heparin and saline mixture, basin for waste fluids, basin ka matlab hai choti si jo steel ki unhone bowls nahi rakhe hote, theek hai, jinke andar wo kya naam hai different kind ke fluids rakhe hote hain, koi bhi cheez aisi aapne ye movies wagaira mein dekha hoga, doctor operation karta hai koi bullet nikalta hai to kidney shaped tray hoti hai uske andar usko phenkta hai, ठीक है, तो उसको बेसन बोल रहे हैं, ठीक है, स्मॉल कप फॉर लिडोकेन, स्क्रीन प्रिपरेशन सॉल्यूशन, हाई पावर मैनिफोल्ड एंड कनेक्शन ट्यूबिंग, ये सारे वो क्या नाम है इक्विपमेंट होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसके बाद वो कहता है क्या नाम है कैथेटर्स, वायर्स एंड शीट, ठीक है, आपको ऑब्वियस बात है आपने कैथेटर चाहिए क्योंकि उसके थ्रू आपने कंट्रास्ट इंजेक्ट करके देखना है कि आपकी कोरोनरी की क्या हालात हैं। Three catheters are used, Judkin right 4, Judkin left 4, ठीक है, and 145 degrees pectoral catheter to advance into the ventricles. 135 centimeter wire sheath correspond to the catheter size, ठीक है, तो sheath का size होता है वही आपका catheter का size होता है। For example, अगर आप 5F का catheter use करना चाह रहे हो तो sheath भी 5F की होगी, अगर आप 7F का use करना चाह रहे हो तो sheath भी 7F की होगी। But the size of the catheter depends on doctor's preference, but generally 6F is used, ठीक है, जो वो आपकी क्या नाम है कैथेटर का साइज है वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर को किस तरह की इमेजिंग चाहिए, वो कितने कंट्रास्ट देना चाहता है, ठीक है, उसको वेसल की प्रेडेंसी किस तरह की लग रही है, वेसल पतली लग रही है या जो भी है, ठीक है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट कॉमनली वो कहता है 6F का कैथेटर हम यूज करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन। मेडिकेशन कौन कौन सी यूज होती है, कहता है पेशेंट इज रिलैक्स विद वर्सेड और फेंटाइल समटाइम्स बोथ, ठीक है, वर्सेड और फेंटाइल सेडेटिव्स हैं, इनके साथ पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है। 2 500 ml bags of saline infused with 200 units 2 cc means, यानी कि आपके दो हाफ के जी दो 500 ml के bags जो कि saline के होते हैं उसके अंदर 2 cc heparin को डाला जाता है for flushing all tubing catheters and sheets, ठीक है, ताकि उससे आप हर catheter के अंदर से flush करें catheter या tubing जो भी आप use कर रहे हैं sheets use कर रहे हैं उसको flush कर सकें to remove the air from that tubing, ठीक है। Lidocaine for tissue numbing, Visipec contrast unless otherwise specified, ठीक है, Visipec एक ऐसा contrast material है जो कि low smaller contrast media है और उसके reaction बहुत कम है, ठीक है, इस वजह से Visipec use किया जाता है most commonly, और अगर Visipec available नहीं है तो आप कोई और low smaller contrast media भी use कर सकते हो, ठीक है। Start the procedure when the doctor and technician scrubbed and all the equipment supplies are ready, the procedure may begin, क्या प्रोसीजर आपको सारा पता है कि आपने कैसे हार्ट डिग्री पंक्चर करना है, ठीक है, कैसे फेमोरल एक्सेस आपने लेनी है, हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, कैसे कैथेटर इंसर्ट करना है, ठीक है, फिर कैथेटर का प्लेसमेंट कैसे करनी है, मूवमेंट ऑफ द कैथेटर इज मॉनिटर्ड इन द फ्लोरोस्कोपी विद द कार्डियोलॉजिस्ट मैनिपुलेटिंग इट्स मूवमेंट्स, द फ्लोरोस्कोपिक मशीन इज मैनिपुलेटेड बाय अ क्वालिफाइड स्क्रब्ड इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी की मशीन ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने कंट्रोल करनी है, ठीक है। When catheter is in place, wire can be removed and contrast can be administered. जब आपका catheter आपके desired position के ऊपर पहुंच जाता है, चाहे हमने उसको RCA में लेके जाना है या हमने उसको LCA में लेके जाना है या उससे आगे कहीं लेके जाना है या पीछे aorta में रखना है या left ventricle में लेके जाना है, wherever you want कि आपका catheter किस प्लेस पे होना चाहिए, जब आपका catheter उस प्लेस पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो आप क्या नाम है गाइड वायर को रिमूव कर लेते हो
और क्या नाम है कंट्रास्ट को एडमिनिस्टर कर देते हो। अब हर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ डॉक्टर इस तरह कहते हैं कि वो गाइड वायर पहले ही रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, विद द डायलेटर ऑल्सो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो गाइड वायर रिमूव नहीं करते, कैथेटर को गाइड वायर के ऊपर ही एंड तक लेके जाते हैं, ठीक है, सिर्फ डायलेटर रिमूव कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर कि वो किस तरह उसको सही लगता है कि वो करे इस प्रोसीजर। उसके बाद जनाब आगे उसने आपको वही दिखाया हुआ जो हमने पूरी टेक्निक पढ़ी हुई है कि किस तरह होती है कैथेटराइजेशन। ये क्या नाम है इमेजेस हैं कुछ आपकी, क्या नाम है उसके, जब वो कैथेटर आपका जा रहा होता है आगे आरसीए एलसीए तक, ठीक है, ये देखो इस तरफ ये नजर आ रहा है, ठीक है, इसी तरह इस इमेज में भी ये वाली जगह पर नजर आ रहा है। उसके बाद कहते हैं इंपॉर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट्स कौन से हैं। इट इज एसेंशियल दैट द कैथेटर टिप्स डज नॉट वेज इनटू द नैरो कोरोनरी ओस्टियम एंड कॉज ऑक्लूजन ऑफ द फ्लो। कहते हैं जो आपका कैथेटर है, ठीक है, उसके जो टिप्स हैं वो आपके जो कोरोनरी ओस्टियम है यानी कि कोरोनरी आर्टरी की एंट्री साइड है, ठीक है, वहाँ पे वेज आउट ना करें। वेज आउट मीन्स के वो एक क्या नाम है ट्राइंगुलर शेप के अंदर ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात उनके अंदर कर्व्स होती हैं, ठीक है, तो अगर वो ट्राइंगुलर शेप में आ जाएंगे तो वहाँ पे वो ब्लड का फ्लो को ऑक्लूड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। द कैथेटर टिप मस्ट बी एक्सियली ओरिएंटेड इन प्रॉक्सिमल वेसल रादर देन बीइंग एंगुलेटेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। वो कहता है आपकी वेसल के अंदर जो है कैथेटर को एक्सियली लाइन होना चाहिए, मतलब वो स्ट्रेटली मूव करो, इंस्टेड के वो वॉल की तरफ को प्रेस आउट करे और आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, ठीक है। कंट्रास्ट इंजेक्शन विद कैथेटर टिप इंपैक्टेड टू द साइड वॉल की, अगर आपका कंट्रास्ट आप इंजेक्ट करते हो और आपकी कैथेटर की टिप जो है वो साइड वॉल के बिल्कुल सामने है, ठीक है, तो इट कैन कॉज ऑस्टियल डिसेक्शन, यानी कि आपका ऑस्टियम और उसकी वॉल्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अबव मेंशन आर द फेटल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके अंदर आपको पेशेंट को क्या नाम है बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड स्टेट में चला जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है कार्डियोलॉजिस्ट को। कंट्रास्ट मीडिया वही जैसे उसने आपको मैंने ऊपर बताया कि हम लोस मोलर डोनर यानी कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। डोज कितनी देते हैं 3 to 10 ml, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है 320 to 370 mg ऑफ आयोडीन पर मिलीग्राम, ठीक है। अगर आप पर 1 ml के अंदर आपके जो आयोडीन है उसके 320 to 370 mg होते हैं कंट्रास्ट के अंदर, ठीक है। यूजिंग ए पावर इंजेक्टर और ए हैंडहेल्ड सिरिंज फिल्ड फ्रॉम ए रिजर्वायर, ये आप इंजेक्ट कैसे करते हो, या तो इंजेक्टर के साथ या फिर हाथ से, क्योंकि जो आपका कंट्रास्ट होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो हाथ के साथ एक कंसिस्टेंट प्रेशर नहीं बनता, ठीक है, कभी ज़्यादा प्रेशर जा रहा था कभी कम जा रहा था। तो अब ऑल द केसेस, ठीक है, आप पावर इंजेक्टर यूज़ करते हो, हाँ उसका रेट जो है वो आप कम ज़्यादा रख लेते हो, कभी 1 ml/s, कभी 1.2 ml/s, 1.5 ml/s, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट के उसकी एज क्या है। ऑब्वियसली बात है बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनकी वेसल्स भी बहुत माइन्यूट होती हैं, तो हम उनके अंदर बहुत लो रेट रखते हैं, जैसे 0.8 ml/s, 1 ml/s इतना, ठीक है। जो बड़े होते हैं उनके अंदर आप 2 ml, 2.5 ml, 3 ml/s इतना रेट भी रख सकते हो कंट्रास्ट इंजेक्शन का। वो कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिल विद 6 to 8 ml, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है अगर आप वहाँ पे 6 to 8 ml कंट्रास्ट इंजेक्ट करोगे तो फिल अप करेगी, और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो 3 to 5 ml से ही फिल हो जाती है। एंजियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसकी आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दी थी, एक दो असाइनमेंट्स मैंने देखी थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा ब्लंडर मारे में, ठीक है, बच्चों को मैंने प्रोजेक्शंस बोली थी, ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, आई डोंट नो उन्होंने कैसी बनाई, मैंने उनकी नहीं चेक की, ठीक है, लेकिन जिन्होंने बाकियों ने एक दो तीन की मैंने देखी, उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल भी सही नहीं लिखा हुआ। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि पिक्चर्स लेना, ठीक है, डिफरेंट एंगल से। मैंने आपको दो तीन दफ़ा भी बताया था, इवन लेक्चर के अंदर आपको रिकॉर्डिंग अगर उठा के देखोगे, जहाँ मैंने असाइनमेंट बताई थी वहाँ मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन का मतलब है RAO 30 degrees विद 20 degrees कॉर्डल एंगुलेशन, ठीक है। वहाँ बच्चों ने पता नहीं क्या लिखा, मुझे तो समझ से पाया था कि यार मैं क्या इनको मार्क्स दूंगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एंजियोग्राफी द हार्ट इज ओरिएंटेड ऑब्लिकली इन द थोरैसिक कैविटी, द कोरोनरी सर्कुलेशन इज जनरली विजुलाइज्ड इन द RAO एंड LAO प्रोजेक्शन टू फर्निश ट्रू PA एंड लेटरल व्यूज ऑफ द हार्ट यूजिंग बोथ क्रैनियल एंड कॉर्डल एंगुलेशंस। LCA के ब्रांचेस के लिए हम कौन से व्यूज यूज करते हैं, AP RAO LAO विद क्रैनियल टिल्ट, और RCA के लिए AP RAO LAO और क्या नाम है जो हम टिल्ट देते हैं वो भी क्रैनियल देती हैं। ये उसने आपको दिखाई हुई है एनिमेटेड इमेजेस ऑफ वेसल्स विद द एंगुलेशंस, ठीक है। LAO
क्रेनियल, ठीक है, थोड़ी सी क्रेनियल एंगुलेशन दी हुई है, तो आपको इस तरह करके क्या नाम है लेफ्ट कॉर्नरी नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह कॉर्डल एंगुलेशन थोड़ा सा पाँव की तरफ करके आपको कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो एलियो स्ट्रेट, उसके अंदर आपको इस तरह की वेसल्स नजर आएंगी। एलियो क्रेनियल के अंदर ये मेरे ख्याल से एलियो क्रेनियल मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे भी उसने एलियो क्रेनियल दिखाया हुआ आपको, उसके अंदर इस तरह का हमें इमेज मिल रहा है, ठीक है। या तो इन दोनों की एंगुलेशन में फर्क है, ठीक है, या फिर ये एलियो क्रेनियल नहीं है। उसके बाद आ रहे हो स्ट्रेट, उसके अंदर आपको ये चीज नजर आएगी इस तरह करके। ये इमेजेस अच्छे से याद रखना, स्पॉटिंग में आ सकती हैं, ठीक है। बाद में ना कहना कि सर आपने तो बताया ही नहीं था। उसके बाद वो कहता है पिटफॉल्स ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी, यानी कि कोरोनरी एंजियोग्राफी के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इनएडिक्वेट वेसल ऑफेसिफिकेशन, ठीक है, अगर आपने कंट्रास्ट प्रॉपर्ली इंजेक्ट नहीं किया पूरे, यानी कि उसके एम्बल्स पूरे इंजेक्ट नहीं किए, तो आपकी ऑफेसिफिकेशन सारी कोरोनरी ब्रांचेस की नहीं होगी, ठीक है। इसेंट्रिक स्टेनोसिस, आपके क्या नाम आर्टरीज के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर स्टेनोसिस हो सकता है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ द ब्रांचेस, यानी कि आपने एंगल किसी, ऑब्वियसली बात है एंगुलेशन दे रहे हैं आप ट्यूब को और वहां से इमेज ले रहे हैं, तो आपकी एक ब्रांच दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकती है, या फिर क्या नाम है फॉर शॉर्टनिंग ऑफ द स्टेनोटिक सेगमेंट प्रोजेक्शनल डिफेक्ट, ठीक है। आप एक डिफरेंट एंगल से इमेज लोगे तो आपको स्टेनोसिस बढ़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर उसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर दोगे, ठीक है, तो आपकी वो वेसल शॉर्ट हो जाएगी और आपको लगेगा बहुत ही माइनर एरिया में स्टेनोसिस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद वो कहता है रोटेशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, क्योंकि आपकी एक्सरे मशीन जो है फ्लोरोस्कोपिक मशीन वो रोटेट कर रही होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको रोटेशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। द एक्सरे सिस्टम रोटेट्स अराउंड द पेशेंट ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ अ सिंगल ब्रन। सिग्निफिकेंट रिडक्शन बोथ कंट्रास्ट एजेंट यूजेज एंड रेडिएशन डोज ऑफ अप टू 30% विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इमेज क्वालिटी, ठीक है। आपके फ्लोरोस्कोपिक जो सी आर्म है उसकी मैनिपुलेशन की वजह से आपकी जो पेशेंट की रेडिएशन डोज है उसके अंदर 30% तक रिडक्शन आती है और कंट्रास्ट भी आपको कम यूज करना पड़ता है। The contrast medium is injected automatically 3 ml per second for the left coronary artery and 2 ml per second for the right coronary artery, ठीक है, in the range of 12 to 18 cc, ठीक है। ये जो रेंज बताई है उसने वो एडल्ट्स के लिए बताई है, ठीक है। बच्चों में आप इतना प्रेशर नहीं यूज करते क्योंकि उनकी वेसल्स बहुत छोटी होती हैं, तो इतना प्रेशर दोगे तो वेसल रप्चर करने का बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, ठीक है। आफ्टर दिस प्री लोड रोटेशन ऑफ द सीएम वाज स्टार्टेड ऑटोमेटिकली एंड द एक्सरेज आर टेकन, ठीक है। जब आप ये ऐसे इंजेक्शन दे लेते हो तो आप क्या नाम है इसके साथ साथ फिर इमेजेस लेना शुरू कर देते हो, आप रोटेट करते हो अपने सी आर्म को कभी एलियो में, एलियो क्रेनियल, एलियो कॉर्डल, ठीक है, इसी तरह आरियो क्रेनियल, आरियो कॉर्डल एंड आरियो स्ट्रेट, जो भी आपने व्यूज लेने हैं। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या कहते हैं, फेमोरल आर्टरी के लिए आपकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डिसेक्शन ऑफ फेमोरल आइलिक आर्टरी और एओर्टा और हेमाटोमा फॉर्मेशन, एओर्टा के अंदर डैमेज टू एओर्टिक एंटीमा, एम्बोलस टू हेड एंड नेक, ठीक है, या एओर्टिक रूट डिसेक्शन, क्रोनरी के अंदर ऑस्टियल डिसेक्शन, क्रोनरी एम्बोलस, एरिथमियाज ड्यू टू कैथेटर वेजिंग और कंट्रास्ट मीडियम, ठीक है, स्पैज्म ड्यू टू कैथेटर और कंट्रास्ट मीडियम, ठीक है। जनरली क्या आपको कॉम्प्लिकेशन मिलेंगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा या लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, कंट्रास्ट का ओवरलोड हो सकता है, कंट्रास्ट की एलर्जी हो सकती है। ये उसने आपको अगेन इमेजेस दिखाए हुए के the tight stenosis noted involving the mid segment of the right coronary artery distal branches are normal. कोई मुझे बता सकता है stenosis कहाँ पे नजर आ रहा है? Anyone? मान लिया कत? अस्सलाम वालेकुम सर। बेटे बताएं मुझे stenosis कहाँ नजर आ रहा है आपको? किसी को भी स्टेनोसिस का नहीं पता चल रहा? सारा सर सर्कमफेरेंस पे बेटे इस इमेज के अंदर मुझे बताएं स्टेनोसिस कहां पे है? सर ये जहां पे बिल्कुल नैरोइंग हुई हुई है, वेट लेट मी ड्रॉ लाइक राइट हियर, सर्कल सा बना हुआ है ना? Yes, Sara, very well, बहुत अच्छे। This is a place, यहाँ पे Sara ने बिल्कुल सही point out किया, ये वो जगह है जहाँ पे stenosis हुआ हुआ है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाली जगह, ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे भी इस एरिया में ठीक है स्टेनोसिस सा हुआ हुआ, ठीक हो गया। इस तरह करके आपको आपकी कोरोनरीज के अंदर पता चलता है कि डिफेक्ट किसी जगह पे है या नहीं है। उसके बाद आ जाओ जी नेक्स्ट में लेफ्ट मेन स्टेम स्टेनोसिस, ठीक है यहाँ पे भी उसने आपको स्टेनोसिस दिखाया हुआ है। उसके बाद क्या नाम है ये उसने आपको वही डायलेटर और शीथ वगैरह दिखाए हुए हैं, ठीक है। पेक्टल कैथेटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल टू मेजर वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है ये आपका पेक्टल कैथेटर है, ये देखो इसकी टेल नजर आ रही है आपको, ठीक है। सिमिलरली ये आपके एओर्टा के अंदर रखा हुआ है पेक्टल कैथेटर को कि एओर्टिक प्रेशर मेजर किया जा सके, ठीक है ये उसकी टेल नजर आ रही है और इस टाइम वो आर्च ऑफ एओर्टा के बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा हुआ, ठीक है ये वही आपका फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, ठीक है ये आपकी सारी वो जो क्या नाम है कैसे आप एडजस्ट करते हैं, कहाँ आपका टेक्नोलॉजिस्ट खड़ा होता है, कहाँ आपका कार्डियोलॉजिस्ट खड़ा होता है, ठीक है। फिनिश द प्रोसीजर, द प्रोसीजर इज कंप्लीट व्हेन द रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट हैज सीन ऑल द व्यूज एंड एनाटॉमी डिजायर्ड एंड ऑल द प्रेशर रिकॉर्डेड, ठीक है। द कैथेटर कैन बी रिमूव्ड एंड मैनुअल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू एंट्री साइट फॉर 15 मिनट्स, ये हमने पढ़ लिया था हीमोस्टेसिस के अंदर। पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस, द पेशेंट मस्ट लाई फ्लैट एंड सुपाइन फॉर मिनिमम ऑफ 2 आवर्स टू एंश्योर आर्टरी डज नॉट रीओपन, ठीक है। ऑब्वियसली बात आपने वहां पे एक कट सा भी लगाया था तो पेशेंट को आप 2-3 घंटे स्ट्रेट लेटा के रखते हैं ताकि इस बात की श्योरिटी हो जाए कि आर्टरी कहीं दोबारा तो वहां से पंक्चर होकर ओपन नहीं हो जाएगी। ड्रेसिंग मस्ट बी रिमेन ड्राई, नो लिफ्टिंग ओवर फॉर 5 pounds फॉर 3 days, ठीक है आपने वेट नहीं उठाना होता 3 दिन तक, ठीक है। और नो शावर फॉर 24 hours, 24 घंटे तक शावर भी नहीं लेना होता, ये आपकी पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के लिए। हाँ जी भाई कोई सवाल प्रोसीजर को लेके? जी बच्चों कोई सवाल? सर जो आपने दोनों इमेजेस दिखाई थी और आपने बोला था कि वो इन्वर्ट कर देंगे कंट्रास्ट जो है वो हमें ब्लैक नजर आ रहा है एक में वाइट, तो सर जो आपने इमेज दूसरी लगाई थी वो आरसीए की ही थी? बेटे मैंने नेट से रैंडम इमेज उठाया था, लेट मी चेक कि वो आरसीए थी कि नहीं थी। बेटे नहीं वो भी LCA ही थी, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट था। RCA बिल्कुल आपको सिंपल नजर आती है, लेट मी शो यू, क्योंकि देखो ना RCA छोटी है, RCA की फिलिंग भी थोड़े कंट्रास्ट से हो जाती है। ये देखो RCA इस तरह की होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप RCA कितनी सिंपल जा आ रही है, LCA की ब्रांचेस बहुत ज्यादा, ठीक है, और कॉम्प्लिकेट कर रही है, ठीक है बेटे। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज माशाल्लाह से स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, पहली दफा जिंदगी में मुझे खुशी हुई है देख के बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, स्लाइड 15 में एक एब्रिवेशन यूज हुई है BUN, उसकी फुल फॉर्म बता दें। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ओके अच्छा जी कौन कौन एब्सेंट है? तैमूर नहीं है, ज़ैनब अंसर है क्लास में? नहीं वो भी नहीं है। रगीसा है? प्रेजेंट सर। ओके बाजी आज खैर हो, आज आप बोली नहीं है, हमने आपको बहुत मिस किया लेक्चर में। सर मैं बोलती हूँ तो सर सब डिस्टर्ब होने लग जाते हैं इसलिए नहीं बोली। ओहो
कौन डिस्टर्ब होता है बाजी, मुझे बताएं, पूछ लेते हैं उससे वो क्यों डिस्टर्ब होता है। किसी ने आपको कुछ कहा है? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं आप डिस्टर्ब होते हैं? आप बेचारे शरीफ बच्चों पे इल्जाम लगा रही हैं। सर इल्जाम नहीं लगा रही, वाकई में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं सर। कौन से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं? मुझे भी तो पता चलेगा ये बच्चा डिस्टर्ब होता है आपके बोलने से। कोई नहीं सर। नहीं, अपने से ड्रामे बाजियां बस इनसे करवा लो। अच्छा जी, शहीद जैदी भी है, उस्मान भी है, राबे अरफान है क्लास में? नहीं है। अच्छा जी, काशिफ अमन उतरवा, मोमिना है? मोमिना यस सर। ओके, महा नहीं है, किरण? एक्सक्यूज मी सर। यस यस, नहीं बस ये बताना था कि आई एम हियर। ओके, अच्छा किरण है क्लास में? दाऊद, आयशा नासिर? यस सर। आयशा नासिर, आयशा इम्तियाज? आयशा इम्तियाज यस सर। ओके, सिंपल आयशा? यस सर। आयशा नासिर की लगा दी आपने? जी बेटे लगा दी है। अथर, अरीबा? यस सर। अक्सा? प्रेजेंट सर। आमसा, आमना, ठीक है। आलिया शहबाज? आलिया एहसान? प्रेजेंट सर। एमन दिलशाद? प्रेजेंट सर। एमन हबीब? प्रेजेंट सर। एक्सक्यूज मी सर, बेटे आपका इशू मैं देखता हूँ, मुझे आपके मार्क्स लिस्ट में कहीं भी नहीं मिले। सर मैंने तो आपको सबमिट करवाई थी। बेटे सिर्फ दो एमन है मेरे पास लिस्ट में, एक उम्मे एमन है और एक एमन दिलशाद है बस। आप खुद आकर सबमिट करवा के कहीं थी? जी सर, खुद आई थी मैं। ओके चलो मैं देखता हूँ। अफजाल? यस सर। ठीक हो गया बच्चों? ओके फिर सर, क्लासेस जो है नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी में ही होंगी, और जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं है वैक्सीन का वो? बेटे आई डोंट नो, ये इतने हजारों बच्चों के ये क्या नाम है सर्टिफिकेट्स और एक्सरेज कहां से चेक करेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज का। सर मेल में लिखा हुआ था कि उसके बगैर नहीं आना, पता नहीं, देखो आगे देख लेना अगर आने तो ठीक है। और 15 से सर मिड भी तो है, अगर हम लोगों के मतलब वैक्सीनेशन नहीं हुई तो फिर हम मिड भी ऑनलाइन देंगे? 21st से आई थिंक सो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। रीटेक वालों के बाद हमारे मार्क्स लगेंगे? रीटेक वालों के बाद आप हमारे सबके मार्क्स अपलोड करेंगे क्विज के? जी बिल्कुल। ठीक है बच्चों, हाँ जी ठीक है, प्रेजेंट हैं आप लोग? सर मेरी प्रेजेंट लग गई है? जी बाजी लग गई है। ओके सर। ठीक है बच्चों, सर मेरी भी दबा दे। आप बोली थी उस टाइम पे चारिफ आपका नाम कॉल किया था? सर दरअसली जन इंटरनेट नहीं था। बाद आ जाओ किरण बाजी। सर नहीं, मैं हॉस्टल में थी ना तो इधर इंटरनेट नहीं था। अच्छा ठीक हो गया। ओके ठीक है बच्चों, ओके अल्लाह हाफिज। हेलो।